शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बाबू है कि थाली के बैंगन, पहले हमें लालची बुलाते फिर हमारी जान बचाते, पहले हमसे लड़ते फिर हमारे लिए लड़ते, हमें देखकर आग बबूला हो जाते पर आज भी नहीं आने देते। एक तरफ रहिए ना, ये दोनों तरफ रहने की क्या जरूरत है? आपने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में काय डाल दी। आपको कुछ हो गया, आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा चंपा। तुम्हारी चोटी में शक्ति है, तुम्हारे सींग में शक्ति है, और अगर सच्चा हुआ तो तुम्हारी आंख से बहते आंसू में शक्ति है। कुछ नहीं होगा विक्रम, हम विक्रम को देख कर आते। तुम्हें तो चाची जी ने अभी अभी निकाला था ना, तुम वापस आ गए यहाँ पर। निकलो, गेट लॉस, वापस आना मत, समझी? ओह माय गॉड, डॉक्टर, डॉक्टर, विक्रम को होश आ रहा है। दादी माँ, माँ जी, सब लोग आइए प्लीज, विक्रम को होश आ रहा है। बड़ी माँ, दादी, भैया को होश आ गया। मैंने अपने करियर में पहले ऐसा कभी नहीं देखा। विक्रम की हालत खराब थी, लेकिन जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि किरण जी उनसे बात कर रही हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। ये वाकई एक चमत्कार है। विक्रम, ठीक है ना? ये सब हमारे विक्रम की लक्ष्मी का चमत्कार है उर्वशी।
ने तुम्हें घर से जाने को कहा, तुम वापस चली आई, क्यों? ओ जीजी, हाट बाजार जाना होगा ना, चाट पाट खानी होगी, इसलिए बेचारी घर से आ गई है ना। चंपा, तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा ना, तुम काम पूरा किए बिना वो घर नहीं छोड़ सकते। जानते हैं जीजी, हम जानते हैं कि आप लोग राठौर परिवार से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस परिवार को गलत समझ रहे? मतलब जीजी, हमने वहां बाप नहीं परिवार देखा, वो लोग हमें अपना नहीं मानते, अपना क्या, हमें कुछ नहीं मानते, लेकिन हमारे साथ गलत होता देख उन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। जीजी, वो लोग या विक्रम, हमें पता था मांग का ये सिंदूर एक दिन रंग जरूर दिखाएगा। इस सिंदूर की वजह से तुम अपना मकसद नहीं देख पा रही हो चंपा। जीजी, सिंदूर तो इनकी मांग में है ना, इनकी आंखों में थोड़ी सिंदूर है, ये मकसद नहीं देख पा रही है। तुम मर गई थी चंपा, आज जो तुम ये जिंदा खड़ी हो ना, वो हमारी बदौलत खड़ी हो, याद है ना? आपकी दी हुई जिंदगी और जिम्मेदारी दोनों याद है हमें। ये वो कील है जो डायन द्वार खोल के डायन की शक्तियां बढ़ाती है, और हमें पूरा विश्वास है कि ये कील आप लोगों को काल वृक्ष से भी मुक्त कराएंगी, और आप लोगों की खोई शक्ति भी आप लोगों को वापस दिलाएंगी। लेकिन जीजी, हमें अब भी ऐसा ही लगता है कि आप लोग बाबू और उनके परिवार को गलत समझ रहे हैं। हमने देखा है उन्हें, वो भले लोग हैं, हमारी बात का विश्वास कीजिए। ये कील तभी हम आपको देंगे जब आप हमसे वादा करेंगी कि शक्ति मिलने के बाद, आप लोगों को आजादी मिलने के बाद, आप लोग बाबू और उनके परिवार को छोड़ देंगे। चमकता है, कुछ तो कभी नहीं है, हमारी तारा भी चमकेगी ना। आज के दिन का बहुत इंतजार किया था ना, जल्दी से उठ के हमें गले लगा ले, मेरी आवाज को देखने तरस दे। हमने ना अपना वादा पूरा कर दिया है, अब जल्दी से अच्छी हो जा, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। सुना, तेरी चीची और तू एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, बस तू उठ जा। We'll be right back.
जा भी है साथ, और सबसे ज्यादा जरूरी वो। अब जल्दी चले यहाँ से, जल्दी चलो पीजी जी के साथ। आराम से आराम। चंपा देखेंगे जीजी, अब हमें हमारी तारा मिल गई है, अब हमें ना किसी बात की चिंता नहीं है, और आप लोगों को भी आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से रहिएगा। बस एक सलाह है, बदला ना आग होती है और आग जलाती है, ये जलाने बुझाने से जरा दूर रहिए। जिंदगी ने आप लोगों को दूसरा मौका दिया है, अच्छे से खुशहाल से रहिए, ठीक है? चलिए दादा। रुको, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें इतनी आसानी से यहां से जाने देंगे? का मतलब? हमने तुम्हें शक्तियां दी, तुम्हें डायन बनाया, इसीलिए कि तुम यहाँ से एक दिन चली जाओ। चीची आप क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। चंपा, डायन को इतना भोलापन शोभा नहीं देता। डायन को शोभा देता है ये। जीजी! तुझे चोट तो नहीं आई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? डायन अब अपना असली रंग दिखा रही है। विक्रम बेटा, कैसा है? ठीक हूँ। तो अभी आराम कर, तेरे लिए ही कुछ मंगवाती हूँ खाने के लिए। रेखा जी दादी,
रेखा, विक्रम को पराठे बड़े पसंद है ना, याद है तूने उस दिन बनाए थे, कितने चाव से खा रहा था। दादी वो तो चंपा ने बनाए थे। चंपा, चंपा कहाँ है? ये पूछ कि क्या है चंपा। इस घर पे पड़ा हुआ एक बुरा साया है चंपा, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हम, उसी की वजह से तू घायल पड़ा हुआ है आज। दादी भैया, सर जो भी आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज मैं जिंदा हूं तो चंपा की वजह से। मुझे इतनी चोट लगी थी, इतना खून बह गया, मैंने बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। चंपा ने मुझे संभाला, फ्रीजर का दरवाजा पता नहीं कैसे खोला और मुझे बाहर निकाला। दादी अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, तो चंपा की वजह से। रो, चंपा कहाँ है? भैया वो सबने उसे बुरा भला कह के धक्के मार के हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, पता नहीं वो कहाँ चली गई। विक्रम बेटा, हमसे राठौर परिवार को पहचानने में भूल हुई है। हम जानते हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। राठौर परिवार कभी हमारे निशाने पर था ही नहीं। हमारे निशाने पर थी तुम। उन आदमियों को राठौर परिवार का निशान देकर तुम्हें जलवाना हमारी चाल थी। राठौर के आदमी, हम चाहते थे कि तुम उस परिवार से नफरत करो, क्योंकि वही नफरत हमें हमारे मकसद तक पहुंचा सकती है। मकसद? कैसा मकसद? महाराज की आजादी। Ha 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 ha
किसी शक्ति ने मोहिनी को आजाद कर दिया है। सब झूठ था, जिसकी मांग का हमने सिंदूर भरा उसी को खतरे में डाल दिया, अपने सुहाग को। सिंदूर, सुहाग, सौभाग्य, ये सब औरत का होता है, डायन का नहीं। और तुम एक डायन हो। हम अपने परिवार के साथ आपको कुछ नहीं गलत करने देंगे, सुनो।